हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वृद्ध की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में ही किया खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास तेज। सोमवार को पुलिस थाना क्षेत्र के फैदानी गांव के समीप घावड़ेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सुबह वृद्ध का शव पड़ा मिला था, जिसका पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि सुबह 8 बजे फोन से सूचना मिली कि घावड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी मनीष सोनी मय जाप्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर संपूर्ण घटनास्थल उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। मौके पर उपस्थित जितेंद्र कुमार पुत्र मंगलाराम जाति भिल निवासी सिंधरा पुलिस थाना राम सिन्हाल फैदानी पुलिस थाना जसवंतपुरा ने मृतक अपने पिता मंगलाराम पुत्र भूभाराम जाति भिल उम्र 45 साल निवासी सिंधरा हाल निवासी फैदानी के रूप में शिनाख्त की गई। ऐसे हुआ हत्या का खुलासा, जिस पर MFL व MOB टीम को मौके पर बुलाई गई। घटनास्थल पर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, रानीवाड़ा वृत्त अधिकारी रतनलाल, भिनमाल वृत्त अधिकारी राम सिंह, थाना अधिकारी अरविंद पुरोहित, रानीवाड़ा थाना अधिकारी पद्माराम मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया एवं मौके पर उपलब्ध साक्ष्य संकलन किए गए। मृतक के पुत्र जितेंद्र ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि सुबह करीब 7 बजे नरसाराम निवासी चांदूर का फोन आया कि घावड़ेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप मंगलाराम मोटरसाइकिल सहित पड़ा है, तो मैं व अन्य दो जनों के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां मेरे पिता मंगलाराम का शव पड़ा था तथा मेरे पिता के सिर पर 3 घाव व दाहिने आंख पर गंभीर घाव थे। मेरे पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई है, जिस पर पुलिस ने धारा 143, 302, 10 व 302 भी SC/ST एक्ट का घटित होना पाया जाने मजमून रिपोर्ट कायमी मुकदमा हेतु थाना भेजी जाकर प्रकरण संख्या 121 धारा 143, 302, 10 व 302 भी SC/ST एक्ट में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्र वाली उच्च अधिकारियों को आदेश अनुसार रतनलाल RPS वृत्ताधिकारी वृत्त रानीवाड़ा को प्रेषित की गई। दौरान अनुसंधान घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर मौके पर पाए गए आलामान सरिये फर्द जब्त किए एवं मौके की साइबर क्राइम एक्सपर्ट टीम व थाना अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहयोग से अभियुक्त दूधाराम पुत्र हीराराम जाति भिल उम्र 28 साल निवासी सिंधरा पुलिस थाना राम सिंह को दस्तयाब कर घनता से पूछताछ कर जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में ये रहे शामिल मंगलाराम की हत्या का 24 घंटे में खुलासा करने में राम सिंह थानाधिकारी अरविंद पुरोहित, रानीवाड़ा थानाधिकारी पद्माराम, जसवंतपुरा थानाधिकारी मनीष सोनी, राम सिंह सोनी भागीरथ राम, हेड कांस्टेबल लादा राम, हेड कांस्टेबल दरियाव खां, हेड कांस्टेबल हंसा राम, रानीवाड़ा हेड कांस्टेबल मदन लाल, राम सिंह हेड कांस्टेबल नरपत सिंह, कांस्टेबल वरिंगा राम, मंगलाराम, भजन लाल, आसू सिंह, कैलाश कुमार, श्रीमती सोहिनी, भैरा राम, प्रकाश कुमार, सुशी सुशीला, धीरज सिंह, आकाश सिंह सहित जसवंतपुरा राम सिंह रानीवाड़ा पुलिस टीम के सहयोग से इस हत्या का खुलासा किया गया। जागरूक टीवी के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।